गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स एम जैन एंड यू आर वॉचिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, ये कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोजेक्ट डाला था कैपेसिटर के ऊपर, और पूरे कैपेसिटर के प्रोजेक्ट को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाता है मॉडल। एंड हियर इज़ द मॉडल, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, आपको याद रखना है प्लास्टिक का ही बॉक्स लेना, बिकॉज क्योंकि हमें इसके अंदर वाटर भरना है बाद में, क्योंकि बाकी कोई और चीज़ डालेंगे तो हो सकता है कोई और चीज़ पिघल जाए, या फिर और फ्रेंड्स हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवानी है, वो बिल्कुल सेफ़ होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फॉइल पेपर अटैच करना है ओनली वन साइड ऑफ द बॉक्स, ओके फ्रेंड्स, और उसके ऊपर से हमें थोड़ा सा ये छोड़ देना है, ये वाली खाली स्पेस जहाँ पे मैंने टच करा, ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक होना चाहिए, पूरा अच्छे से चिपका लेना है इसे। और दूसरी साइड भी बिल्कुल पैरेलल में हमें यहाँ पे एक और ऐसे ही जोड़ना है। फ्रेंड्स, ये हेल्प करेगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने में, ओके, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ओके। और इसके अंदर हमें फिर स्कूल के अंदर जाके यहाँ पे हमें वाटर फिलअप कर देना है, कोई भी नॉर्मल वाटर लेना, एक्को गार्ड का मत लेना प्लीज़, ओके, नॉर्मल वाटर जो भी टंकी वंकी में आता है, ओके। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेते हैं ये सर्किट, हम 10 वोल्ट की बैटरी इससे अटैच करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमें एमीटर कनेक्ट करना है, एंड उसके बाद उसका एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वन साइड ऑफ द कैपेसिटर से यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ओके। उसके बाद बीच में वाटर है तो सर्किट तो हमारा कंप्लीट ही है, तो पैरेलल में हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं। पर फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर काफ़ी बड़ी मेजर्स लेने के लिए होता है, हमें काफ़ी शॉर्ट मेजर लेना है क्योंकि कैपेसिटर काफ़ी कम चार्ज ही एक्वायर करता है, तो हमें गैल्वेनोमीटर लेना पड़ेगा। तो इस साइड हम पैरेलल में गैल्वेनोमीटर अटैच कर लेंगे, ओके, इस साइड गैल्वेनोमीटर अटैच करा हमने पैरेलल में, एंड ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सर्किट कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पे वाटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बना रखा है, ये कैपेसिटर हो गया और वाटर की वजह से सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है, आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर सेकंड में। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करा है, और यहाँ पे हमने उसके बाद क्या करा, बैटरी ऑन कर दी। ऑन करने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर चार्ज फ्लो करा, थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ देना, थोड़ी देर बाद जब आपको दिखे वाटर हिल रहा है उसके बाद आपको छोड़ देना, बैटरी ऑफ़ कर देनी है, और ऑफ़ करते ही आपको जल्दी से जल्दी फ़ोटो खींचनी है, जैसे मैंने यहाँ पे खींच रखी है। जब मैंने बैटरी ऑफ़ कर दी, आप देख सकते हैं बैटरी इज़ ऑफ, एंड जैसे ऑफ़ का मतलब यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पे बैटरी पे लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब बैटरी ऑफ है, ये रहा, दिस विल लाइट ऑफ, इसका मतलब बैटरी ऑफ है, बैटरी ऑफ है। एंड फिर भी गैल्वेनोमीटर में देखो जीरो से थोड़ी सी आगे रीडिंग है, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जीरो की तरफ प्रोसीड करती जाएगी और थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगी, मतलब थोड़ी देर तक चार्ज कंटेन करा हमारे कैपेसिटर ने और थोड़ी देर बाद चार्ज जीरो हो गया। यही वर्किंग थी हमने जो कि चैप्टर 2 में पढ़ चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इफेक्टिव मॉडल है और वर्किंग भी करता है। आपको एक्सटर्नल को अपना मॉडल ऐसे ही समझाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है, क्योंकि उसे बिल्कुल बताना पड़ेगा कि हमने कैसे ये बनाया था, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू वीडियोस एंड अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उनके लिए भी डालता रहता हूँ, नीट और जेईई मेंस के लिए भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड्स।